गंगा नदी भारत देश की राष्ट्र नदी गंगा नदी। भारतीय धर्म ग्रंथों में इसे पवित्र नदी माना गया है और इसे माता का दर्जा दिया गया है। चलते हुए तो गंगा का जल बहुत पवित्र और स्वच्छ होता है, हरिद्वार तक इसका जल निर्मल बना रहता है। फिर धीरे धीरे इसमें शहरों के गंदे नाले का जल और कूड़ा करकट मिलता जाता है और इसकी पवित्रता धूमिल होने लगती है। 2014 में गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन शुरू किया गया था। और आज हमारे लिए ये गर्व की बात है कि यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन ने टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप्स में भारत के नमामि गंगे इनिशिएटिव का चयन किया है। मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई नमामि गंगे इनिशिएटिव को लार्ज स्केल रेस्टोरेशन में दुनिया के सबसे प्रॉमिसिंग, एम्बिशियस और प्रेरक उदाहरणों में पाया गया है। माँ गंगा को रिस्टोर करने के अथक प्रयासों के कारण नमामि गंगे को इस प्रतिष्ठित मान्यता के लिए चुना गया है। इन प्रयासों में शामिल है नेचर रिवाइवल और नदी से लोगों के जुड़ाव दोनों को पुनर्जीवित करना। हर साल पीएम मोदी नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए उनके द्वारा प्राप्त उपहारों की ई नीलामी करते हैं और ये उनके प्रयासों का ही कमाल है जिसने देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे लोगों को भी इस अभियान से जोड़ा है। आज टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप्स का सम्मान पाकर नमामि गंगे माँ गंगा के स्वच्छ और पवित्र प्रवाह को और शक्ति देगा।